हाय गाइस, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप देख रहे हो श्वेता ब्लॉग में आपका स्वागत है। सो अभी हम वर्ल्ड अफेयर्स का एक नया वीडियो वो करने वाले हैं और वीडियो का नाम है इंडिया फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैक्ट्री इन गुजरात। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अब तक आप लोगों को पता लग गया होगा कि भारत की पहली मेजर सेमीकंडक्टर फैक्ट्री ये बनेगी गुजरात में और इसका एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आप सब लोग अपनी लाइफ में फील करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, वेदांता ने चूज किया है गुजरात को फॉर $20 बिलियन इंडिया सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट। यहाँ पे क्या होगा कि ताइवान की जो कंपनी है फॉक्सकॉन, ये कंपनी और इंडिया की वेदांता मिलकर 60-40 की पार्टनरशिप करेंगे और गुजरात में डिस्प्ले स्क्रीन, उसके अलावा सेमीकंडक्टर करेंगे मैन्युफैक्चर। और इसका फायदा आपको कैसे मिलेगा, देखिए वेदांता कंपनी के जो चेयरमैन है एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने यहां पर कहा है कि लैपटॉप की कॉस्ट अगर अभी के लिए भारत में है ₹1,00,000, अगर हम ऑफकोर्स यहां पे बात करें हाई एंड लैपटॉप्स की जहां पर HD स्क्रीन, अच्छा ग्राफिक्स कार्ड वगैरह सब आपको मिलता है, अगर उसकी कॉस्ट अगर ₹1,00,000 है ना, तो भविष्य में इसकी कॉस्ट गिरकर ₹40,000 हो जाएगी। क्योंकि क्या है कि काफी बार जो कंपोनेंट्स हैं हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो उन पर इंपोर्ट ड्यूटी लगानी पड़ती है, तो इसलिए इंडिया में लैपटॉप्स आज भी इवन US बाकी के यूरोपियाई कंट्रीज उनसे कंपेयर करो तो महंगे मिलेंगे आपको, इवन दो इंडियंस की ओवरऑल इनकम यूरोपियन और अमेरिकन से कम है। तो ये ट्रूली एक गेम चेंजर होने वाला है। भविष्य में आप देखोगे चाहे फोन हो चाहे लैपटॉप हो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो, इनके प्राइसेस कम होने वाले हैं भारत में। हालांकि मैं कहूंगा कि इस न्यूज से रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सी भी है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के कुछ नेता हैं जैसे कि राज ठाकरे, ये कह रहे हैं कि हमको समझ नहीं आ रहा कि कैसे ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र की जगह गुजरात को मिल गया। पहले तो न्यूज आई थी कि ये फैक्ट्री बनेगी महाराष्ट्र में, तो ये प्रोजेक्ट गुजरात के पास क्यों चला गया, तो इसको लेकर पॉलिटिक्स चल रही है। डिस्कस करेंगे यहां पर कि हुआ क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर ये है कि हाल ही में जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है उसके किस पिलर से इंडिया ने पुल आउट कर लिया है, इस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई थी, समझाया था 4 पिलर है उसमें से एक पिलर से इंडिया ने पुल आउट कर लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग झट से आंसर कर देंगे यहां पर सही। ये है यहां पे आपकी ऑप्शन एनवायरमेंट पिलर, ट्रेड पिलर, क्लीन इकोनॉमी पिलर या फिर सप्लाई चेन पिलर। कॉमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ हमारे देश का बहुत ही लंबे समय से सपना था कि भारत में भी हम सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें, इससे जॉब्स बनती हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मेक इन इंडिया फोन बने, मेक इन इंडिया ब्रांड हो, जैसे Xiaomi है, ये OnePlus है, वैसे इंडिया में भी ब्रांड बने, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेमीकंडक्टर भारत में बने। क्योंकि बाहर से सेमीकंडक्टर को इंडिया में इंपोर्ट करना फिर अपना ब्रांड बनाना बहुत एक्सपेंसिव था। तो यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत अच्छा आर्टिकल है, यहाँ पे लिखा है के प्रीवियस अटेम्प्ट्स फेल्ड। पहले हमने बड़ी कोशिश करी के जी ये फॉक्सकॉन आ जाए और कंपनी आ जाए इंडिया में मैन्युफैक्चर करे सेमीकंडक्टर, किसी ने हमारी नहीं सुनी। हमारी तब तक नहीं सुनी गई जब तक हम इंसेंटिव देने को तैयार नहीं हुए। यहां पर आप देख पाओगे जब तक भारत ने $10 बिलियन का एक पैकेज अनाउंस नहीं किया कि आओ आप इंडिया में करो मैन्युफैक्चरिंग, स्टेट से सेंटर से आपको फायदे मिलेंगे, बिजली कम रेट पर मिलेगी, जमीन सस्ती मिलेगी, टैक्स में छूट मिलेगी, वेरियस हमने जब तक इंसेंटिव नहीं दिए तब तक किसी कंपनी ने इंडिया में कदम नहीं रखा। और ऐसा नहीं है कि ये टैक्टिक खराब है, दुनिया में जो मेजर कंट्रीज हैं हर कोई यही करता है। चाइना ने 10-20 साल पहले ही इस टैक्टिक को मास्टर कर लिया था कि किस तरीके से इंसेंटिव देने हैं ताकि मेजर कंपनीज जैसे कि टेस्ला, एप्पल, ये सब चाइना में मैन्युफैक्चर करना चाहे। अभी रिसेंटली भी आप अगर देखो तो चाइना लगातार सब्सिडीज बढ़ा रहा है इन सब कंपनीज की ताकि लगातार ये चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करती रहे। इवन USA ने भी रिसेंटली $280 बिलियन का एक बिल पास किया है जिससे ये लोग भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में चाइना पर जो निर्भरता है इसको तोड़ पाए। अब ऑब्वियस सी बात है USA ज्यादा इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्री है, तो इनके जो पैकेजेस हैं ये भी बहुत बड़े होते हैं, 280 बिलियन वगैरह। हमारा पैकेज छोटे है मगर ये मत समझना कि हम लोग सिर्फ $10 बिलियन का इंसेंटिव दे रहे हैं। जिस स्टेट में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री ओपन होगी वो स्टेट अपनी तरफ से भी
इन कंपनियों को बहुत सारे फायदे देती है, क्योंकि ये कंपनी अपने साथ तरक्कियां लेके आती है, जॉब्स लेके आती है। हर स्टेट चाहती है कि ऐसी कंपनीज उनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करे। और वेदांता जो इंडियन कंपनी है, इसने ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट किया, और अब ये लोग अपनी जो पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री है ये ओपन करेंगे गुजरात में। टोटल इससे इन्वेस्टमेंट होगी 1.54 लाख करोड़ रुपीज की। और जैसे मैंने आपको बताया वीडियो की स्टार्टिंग में, इस अनाउंसमेंट के बाद महाराष्ट्र से बहुत सारे नेता, उन्होंने पूछा कि ठीक है, अच्छा लगा कि घूम फिर के देखो फायदा इंडिया का ही हो रहा है, ठीक है अपने देश में इन्वेस्टमेंट आ रही है, अच्छा लग रहा है। मगर बात तो चल रही थी कि पहले कि महाराष्ट्र में आएगी इन्वेस्टमेंट, गुजरात बाजी वैसे मार गया। अब यहाँ पर आप देख पाओगे आदित्य ठाकरे जो शिवसेना के नेता हैं, ये कह रहे हैं कि ऑल्दो आई एम ग्लैड टू सी दिस इन इंडिया, आई एम अ बिट शॉक्ड टू सी दिस। पहले बात चल रही थी कि महाराष्ट्र में आएगी ये कंपनी, मगर बाद में गुजरात आगे निकल गया। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन उठा रहे हैं कि महाराष्ट्र पीछे कैसे रह गया। देखो वेदांता के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र को इग्नोर कर दिया जाएगा। बेसिकली महाराष्ट्र और गुजरात दोनों स्टेटों में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग होगी। इनिशियल जो फेज है इनका, वहां पर ये मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे गुजरात में। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे लिखा है कि महाराष्ट्र प्रोजेक्ट विल बी काइंड ऑफ फॉरवर्ड इंटेग्रेशन फॉर गुजरात जॉइंट वेंचर प्लांट। तो दोनों स्टेट में इवेंचुअली ये मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे, मगर महाराष्ट्र को ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ा बहुत बुरा इसलिए लगेगा क्योंकि बहुत सारा स्टेट जो टैक्स है, स्टेट टैक्स, ये महाराष्ट्र को मिल सकता था। बताया जाता है कि टोटल 26,200 करोड़ का SGST, स्टेट GST महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जाता अगर ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को मिल पाता। उसके अलावा 1,00,000 नौकरियां सीधा महाराष्ट्र में प्रोड्यूस होती, इन्वेस्टमेंट्स तो खैर आती, फिर यू नो ओवरऑल आपका जो एरिया है वो भी डेवलप होता है, इससे महाराष्ट्र की जो GDP है वो भी इंप्रूव होती। बट फॉर द टाइम बीइंग ये सब जा रहा है गुजरात के पास। और आप पूछोगे कि गुजरात के पास ये क्यों जा रहा है। देखो महाराष्ट्र और गुजरात ने दोनों ने इस प्लांट को अपने यहाँ अट्रैक्ट करने के लिए दुनिया भर के इंसेंटिव दिए। महाराष्ट्र ने कहा कि हम आपको पावर टैरिफ सब्सिडी देंगे 1 रुपए पर यूनिट की। उसके अलावा पावर जनरेट करने के लिए अगर आपको एक सोलर पावर प्लांट बनाना है ना, आपको सब्सिडी मिलेगी पानी में, लैंड में, वेरियस और जगह। मगर बताया जा रहा है कि गुजरात बाजी इसलिए मार गया क्योंकि वेदांता को चाहिए थी 1,000 एकड़ की जमीन 99 साल की लीज पर, और ये गुजरात की तरफ से इनको जमीन मिल गई। उसके अलावा गुजरात की एक प्रॉपर सेमीकंडक्टर पॉलिसी भी है, गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी ऑफ 2022-27। उसके अंडर इन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से जो भी सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए इनको स्किल्ड लेबर चाहिए, इनको पावर कनेक्शन चाहिए, सब बहुत ज्यादा हैवी सब्सिडाइज रेट पर प्रोवाइड करने का फैसला किया फॉक्सकॉन और वेदांता को। तो इसलिए इवेंचुअली ये प्लांट गया गुजरात के पास। बाकी पर्सनली आप मुझसे पूछें तो देखकर ये अच्छा भी लगता है कि स्टेट्स के बीच में कंपटीशन है, भूख है कि हम आगे निकलना चाहते हैं, हम यहाँ पे और तरक्की करेंगे। देखिए सेंटिमेंट सबका यही है कि इंडिया की तरक्की हो रही है, अच्छा है, बट स्टेट वाइज भी एक कंपटीशन है। और याद रखिएगा कंपटीशन हमेशा अच्छा होता है। कंपटीशन जब होता है ना तो अपने आप स्टेट के मिनिस्टर्स बैठते हैं, नई नीतियां बनाते हैं, खुद की फैसिलिटीज को देखते हैं, सोचते हैं कि किसमें क्या इंप्रूवमेंट करें, अगला जो बड़ा प्लांट होगा वो हम कैसे अट्रैक्ट करेंगे। तो ओवरऑल मैं कहूंगा दिस इज ए वेरी गुड साइन। और पीएम मोदी ने भी यहां पर ट्वीट करी कि ये प्लांट बहुत एक बड़ी सक्सेस है इंडिया के लिए, इससे एक इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा और हमारी MSME को भी काफी हेल्प मिलेगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया गुजरात में ना सिर्फ सेमीकंडक्टर, ये लोग डिस्प्ले यूनिट्स भी बनाएंगे, Generation 9, Generation 8 डिस्प्ले यूनिट्स जो हम वेरियस लोकेशंस पर यूज कर पाएंगे। तो बेसिकली आप कह सकते हैं फ्यूचर में इंडियन टीवी ब्रांड, स्मार्ट टीवी ब्रांड, इंडियन मोबाइल फोन ब्रांड्स, इनकी नींव यहाँ पर रखी जा रही है। इट इज ग्रेट फॉर मेक इन इंडिया। उम्मीद यही है कि ऐसे और बहुत सारे प्लांट्स अभी और बने, क्योंकि हमारा कंपटीशन ना सिर्फ चाइना, इवन USA के साथ भी होगा। USA भी अब जाग गया है, वो भी कह रहा है कि सेमीकंडक्टर हम भी मैन्युफैक्चर करेंगे। तो इंडिया नीड्स टू डू मोर ताकि ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में हमारा बड़ा स्टेक हो। ना वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ के इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में भारत ने किस पिलर से पुल आउट कर लिया था रिसेंटली। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, ट्रेड पिलर। इस पर मैंने आपको डिटेल वीडियो में समझाया था ये क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है। तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम परस्पेक्टिव से, रिसेंटली ये काफी न्यूज में भी रहा था। फाइनली यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि 16 सितंबर को अनअकैडमी की 20% सेल खत्म हो जाएगी। ये सेल अभी के लिए अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पे है, बैंक, SSC, UPSC, नीट, IIT, JEE। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे सारे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे UPSC के कोर्सेज। और जो यहाँ पे आपको डिस्काउंट दिख रहा है ना, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है
20% डिस्काउंट, ये 16 सितंबर को खत्म होने वाला है। तो यूज करिए कोड PD10 और सीधा 20% यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये डिस्काउंट 16 सितंबर के बाद खत्म हो जाएगा। सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ द डिस्काउंट व्हाइल इट लास्ट। वाओ, बहुत अच्छी बात है कि बोलते ना इतना प्राउड फील हो रहा है ना। देखो ये होता है कि हम हमेशा देखते रहते कि कंट्रीज में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, कंपटीशन होता है, बट विद इन स्टेट कंपटीशन हो रहा है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। महाराष्ट्र में भी आएगा, वे फॉरवर्ड है ऑफ कोर्स, लेकिन ना ट्रस्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सस्ते में यार, इसको एक दो साल लग सकता है मे बी। पहले बोलते मैं 1 लाख का लैपटॉप नहीं लेती, उसको टाइम लगेगा, आज पेपर वर्क होगा, फिर उन लोगों को फैक्ट्री खड़ा करना है, काफी है, काफी टाइम लगेगा, है मतलब एक दो साल तो पकड़ लो, लेकिन एक अच्छा स्टार्ट है। ऑफकोर्स एक दो साल के अंदर गेट लाइक और अच्छे लैप, मतलब सोचो अभी 1 लाख में आपको और कितना अच्छा लैपटॉप मिल जाएगा ना, तो वैसा होगा। फोन के प्राइसेस डाउन हो जाएंगे काफी, ऊपर से लोगों को जॉब्स मिलेगी, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, स्टेट का जीडीपी बढ़ेगा, ऊपर से वो बहुत प्लस पॉइंट्स, कंट्री का जीडीपी में बोलते ना वो बहुत अच्छा होगा ऐसा। ये मेक इन इंडिया ने बहुत सारे बोलते ना चेंजेस लाए हैं इंडिया में, ऑफकोर्स जैसे बीच में ट्रेन वेन्स भी गई थी, काफी कुछ है, बहुत सही है, बहुत सही है। वो अपने देश में या फिर अपने स्टेट में जो जो yes. चीजें नहीं आती है ना, तो वो एक अप्रिशिएट होना चाहिए कि yes. वाओ चलो अच्छा है, कर रहा है एंड ऑल। यस, अभी देखते हैं बस, बहुत जल्द शुरू हो जाए, जल्दी जल्दी प्राइसेस डाउन हो जाए, तो लोग थोड़े और बोलते ना और सब कुछ शॉपिंग कर सके। शट आउट गाइस, और वीडियोस लाएंगे हम वर्ल्ड अफेयर्स के, तब तक हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय बाय।